और कल जो है वो धूप अच्छी लगी थी फ्रेंड्स, तो उस वजह से देखिए ये कायल के पेड़ पे लगे हुए कौंठे फिर से, और ये देखिए अब बाग बगीचों में कितनी अच्छे तरीके से हरियाली आनी स्टार्ट हो गई। गाड़ी आई है अभी और आज जो है गाड़ियाँ और ज़्यादा तेज़ी से चल रही है हमारी रोड। और ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक पेड़ गिर गया है सेब का, बारिश की नमी शायद ज़्यादा हो गई थी इसकी वजह से सूर्य भगवान भी दिख गए हैं और ये देखिए फिर से छुप गए हैं बादलों का जो है वो आवागमन चला ही। सबसे पहले आप सबको मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार, मेरा नाम है वरुण शर्मा, मैं हूँ हिमाचल प्रदेश शिमला की घूंड रियासत से, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। और ये देखिए आज बादाम जो है वो और ज़्यादा अच्छी तरह से फूल गया है और बहुत ही प्यारे प्यारे फूल आ गए फ्रेंड्स इस पर। तो आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं, ये बहुत ही प्यारे से फूल आ गए हैं इस पर और बहुत ही सुंदर लग रहा है। और बात करें अगर आज के मौसम की तो आज जो है वेदर क्लाउडी है फ्रेंड्स, बारिश तो अभी तक नहीं हो पाई है फ्रेंड्स, लेकिन आज बादल काफ़ी ज़्यादा है चारों चार। और बादल के होने से अब सामने पहाड़ी पे बर्फ़ भी थोड़ी थोड़ी पिघलने लगी है, ये देखिए आधी ही रह गई है बर्फ़ की। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा फूल लगाया हुआ है हमने, आए हुए हैं कैक्टस फ्रेंड्स, बहुत ही खतरनाक जैसे ये कुछ कैक्टस की तरह लगता है, बहुत ही सुंदर होता है देखने में, बस इसको टच नहीं करना होता है नहीं तो कांटे लग जाएंगे। और आज का ब्लॉग भी स्टार्ट हुआ है फ्रेंड्स शाम के 4:30 के बाद ही, क्योंकि वेदर काफ़ी अच्छा रहता है शाम के टाइम ब्लॉग बनाने के लिए, धूप उतनी ज़्यादा नहीं रहती है और काफ़ी सुंदर व्यू आता रहता है फ्रेंड्स, अदरवाइज़ दिन में तो वीडियो उतनी क्लियर नहीं बन पाती है। और ये देखिए कुछ इस तरीके से रखी गई है कड़वी खुमानी की झाड़ियाँ, और इसमें जो है जब ये अच्छी तरह से सूख जाएगी तो आग लगा दी जाएगी। और मुझे ब्लॉग बनाते हुए देखकर रॉकी भी आ गया है मेरे साथ ही, इसको भी बनाना होता है ब्लॉग। चलिए चलते हैं, आज काफ़ी अच्छी नमी हो गई है फ्रेंड्स, अब तो बारिश बहुत अच्छी हुई है। यहाँ पे देखिए कितने प्यारे प्यारे शरशोपला प्लांट्स है फ्रेंड्स, जिसपे छोटे छोटे फूल भी आए हुए हैं बीच बीच में। और ये देखिए अब बाग बगीचों में कितनी अच्छे तरीके से हरियाली आनी स्टार्ट हो गई है फ्रेंड्स, और वैसे अभी बारिश के होने से कहीं कहीं तो खेत में ज़्यादा नमी भी है और कहीं कहीं जो है इतना पानी भरा हुआ है कि कीचड़ी हो रखा है एकदम से, जैसे कि यहाँ पे भी देखिए फ्रेंड्स। और बारिश के होने से आजकल गिरी नदी का जल स्तर भी बढ़ा हुआ है और यहाँ तक बहने की आवाज़ आ रही है फ्रेंड्स, और गिरी नदी का पानी जो है फ्रेंड्स आज साफ लग रहा है, पहले तो गदला गदला सा 2-3 दिन पहले था। ये देखिए जी चल बाजार में भी काफ़ी गाड़ियों की भीड़ हो रखी है, काफ़ी ट्रैफिक हो रखा है। और ये है सामने मटैन गांव और इस जगह का नाम है घाटी, और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है बगाइल गांव फ्रेंड्स, फिर ये हरियाली के बीच से नमाना गांव दिखता है कुछ इस तरह का। और ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक पेड़ गिर गया है सेब का, बारिश की नमी शायद ज़्यादा हो गई थी इसकी जड़ों में, तो इस तरह से सेब के बगीचे में लोगों का ये नुकसान ही हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, इतनी मेहनत करके
पूरी तरह से पेड़ तैयार करके रखा था और ये अब इसे ही गिर गया फ्रेंड्स। ये चलते हैं थोड़ा और आगे क्योंकि रॉकी वेट कर रहा है और अभी हमें और आगे जाना है। ये देखिए रॉकी अब चल पड़ा जैसे ही मेरे को देखा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे भी गड्ढे में पानी भरा हुआ है, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा नमी हो गई है और काफ़ी फिसलन भरा रास्ता हो रहा है फ्रेंड्स, इसलिए बहुत आराम आराम से चलना पड़ रहा है, नहीं तो जो गिर पड़ गए तो हड्डी पसली भी टूट सकती है। कुछ ऐसा माहौल बना हुआ है फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे आजकल। और आगे आने पे यहाँ से रहता है बहुत ही प्यारा सा व्यू फ्रेंड्स सामने का, ये देखिए, और यहाँ से शुरू हो जाता है मंझौत गांव और ये देखिए चिड़ियों के भी झुंड बने हुए हैं, ये भी अपने क्रियाकलापों में लगे हुए हैं फ्रेंड्स। और अब यहाँ पे खुमाने के पेड़ पे बैठ गए हैं। सामने के ये देवदार के पेड़ बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और यहाँ से पराला मंडी का व्यू भी काफ़ी अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। और अभी वहाँ पे जो है रोड पे काफ़ी ज़्यादा धूल होती थी आजकल, लेकिन बारिश होने से आजकल धूल तो बैठ गई। और बर्फ़ की खूबसूरत पहाड़ियाँ यहाँ से भी दिखती है फ्रेंड्स थोड़ी थोड़ी सी। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं थोड़ा और आगे। और ये देखिए फ्रेंड्स सामने फागू कुफरी साइड भी काफ़ी ज़्यादा घने घने बादल लगे हुए हैं, वहाँ पे भी बिल्कुल डार्क डार्क सा व्यू बना हुआ है इस टाइम भी। और बादल काफ़ी घने होने के वजह से आज का सनसेट तो नहीं दिख पाएगा फ्रेंड। और ये देखिए सामने शायद वहाँ पे झाड़ियाँ वगैरह जला रहे हैं लोग और उस वजह से धुआं हो रखा है सामने धार पे। बादल के होने से आज बिल्कुल शांत बना हुआ है वातावरण, कोई हवा नहीं चल रही है, नहीं तो अगर बादल नहीं होते तो काफ़ी ज़्यादा हवा रहती है और हवा से जो है ठंड थोड़ी ज़्यादा लगती है फ्रेंड्स। और कल जो है वो धूप अच्छी लगी थी फ्रेंड्स, तो उस वजह से देखिए ये कायल के पेड़ पे लगे हुए कौठे फिर से खिलने स्टार्ट हो गए हैं और पहले कुछ ये मुरझाए मुरझाए से लग रहे थे, आपने मेरे पुराने ब्लॉग में देखा ही होगा, लेकिन आज जो है काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और ये देखिए आज थोड़ी रोड की हालत भी ठीक हो गई है फ्रेंड्स, नहीं तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कीचड़ हो रखा था जहाँ पे गाड़ी आई है अभी, और आज जो है गाड़ियाँ और ज़्यादा तेज़ी से चल रही है हमारे रोड पे। अभी देखिए थोड़े से सूर्य भगवान भी दिख गए हैं और ये देखिए अब फिर से छुप गए हैं बादलों का जो है वो आवागमन चला ही हुआ है फ्रेंड्स, तो आज का सनसेट तो इसी तरह का दिखने को रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स क्लोज करते हैं आज का ब्लॉग, होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मैं वरुण शर्मा आपको मिलता हूँ अपने नए ब्लॉग में। जय देवभूमि हिमाचल।